Hey everyone, welcome to Biology80s. सबसे पहले तो a very happy new month. I wish ये जुलाई मंथ आपके NEET 2021 preparation को खूब सारी energy, खूब जोश, उमंग, positivity के साथ भर दे. अगर आप लोग मेरे चैनल को फरवरी मंथ से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा नीट 2021 प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को फरवरी मंथ से सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स दे रही हूँ कि इस मंथ आप लोग इस सब्जेक्ट के ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा. और उन टारगेट्स को अगर आपने एकदम सीरियस होकर फॉलो करा होगा तो आपको पता होगा कि जून मंथ खत्म होने के साथ ही हम लोगों का फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स करने बाकी हैं जो कि आपका जुलाई मंथ का केमिस्ट्री का टारगेट होने वाला है. ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने मेरे टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी है तो इस महीने जुलाई के महीने में आप लोग फिजिक्स का 1 day 1 chapter ऑफ फिजिक्स रिविजन टारगेट रखते हुए आप लोग जुलाई मंथ को प्रोडक्टिव बनाएंगे. ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने बाकी हैं. इन चैप्टर्स को पढ़िए. इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद 1 day 1 chapter ऑफ केमिस्ट्री रिविजन, ये जुलाई मंथ का टारगेट रखते हुए आप लोग केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे. बायोलॉजी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अगर आप फरवरी से मुझे फॉलो करते हुए आए हैं. तो इस महीने आप लोगों का बायोलॉजी का टारगेट होगा कि आपको एक दिन में बायो का एक चैप्टर का रिवीजन करना है. ध्यान रखिएगा, जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स उठाइएगा क्योंकि वो फटाफट आपका कवर हो जाएगा. जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड, इतना छोटा सा चैप्टर है, आधे एक घंटे में कंप्लीट हो जाता है. तो थोड़ी ना उस एक चैप्टर को तुम एक दिन का टारगेट रखोगे कि यार आज बायो का ये चैप्टर हो गया, टारगेट कंप्लीट. नहीं, द लिविंग वर्ल्ड के साथ रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स इतना छोटा सा चैप्टर है, उस दिन आपका एक दिन में 2 चैप्टर्स हो जाएंगे. तो इजी चैप्टर से रिवीजन शुरू करिएगा. और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि मैं फरवरी मंथ से जो भी आपको बायोलॉजी के टारगेट्स थी उन टारगेट्स की अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्विजेस भी करा रही थी. जून मंथ से मैंने क्या किया था, 11th और 12th के एक एक चैप्टर को उठाकर कंबाइंड क्विज रखना शुरू किया था. उसी क्विज को हम कंटिन्यू करेंगे. जुलाई मंथ की मेरी फ्री लाइव क्विजेस स्टार्ट हो रही है 3rd जुलाई से. 3rd जुलाई को रेस्पिरेशन, प्लांट्स प्लस इकोसिस्टम की कंबाइंड क्विज है, एकदम फ्री क्विज होती है. आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हुए biology@ease रेफरल कोड यूज करना होता है और मेरी क्विज में रात को 9 बजे जो मेरी क्विज होती है उसमें आप खुद को एनरोल करा सकते हो. ठीक है, 3rd जुलाई का सेशन मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, रेस्पिरेशन प्लांट्स प्लस इकोसिस्टम. 4th जुलाई को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस बायोडायवर्सिटी होगा. 5th जुलाई को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज, ये तीनों सेशन मैंने पब्लिश कर दिए हैं. इसी के साथ ही और सेशंस भी मैं कंटिन्यू करती रहूंगी. जो भी क्विज मैं अनअकैडमी पर लूंगी उस क्विज की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल biology@ease पर भी प्रोवाइड कराऊंगी. इन चैप्टर्स के साथ साथ इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री क्विज भी अनअकैडमी पर लूंगी. तो मुझसे जुड़े रहिए टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब चैनल पर भी. कम्युनिटी पोस्ट में मैं हर दिन आप लोगों को जो 6-7 क्वेश्चन पूछती हूँ क्विज के तौर पर, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हुए हर थर्सडे अब मैं अनअकैडमी पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप सभी का लेने वाली हूँ. तो आप लोगों का जुलाई का टारगेट है कि फिजिक्स का एक दिन में एक चैप्टर का रिविजन आप लोग करोगे. केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद 1 day 1 chapter ऑफ केमिस्ट्री का रिविजन होगा. आपका बायोलॉजी का, इन सारे चैप्टर्स की मैं आप लोगों की क्विज लेने वाली हूँ, प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज मैं अनअकैडमी पर लेने वाली हूँ. 1 day 1 chapter ऑफ बायोलॉजी का रिविजन आप लोग करोगे. इसी के साथ कुछ बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी हम लोगों के लिए जुलाई मंथ से डेली टारगेट रखना शुरू कर दीजिए. जिनकी प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, हम लोगों को डेली टारगेट्स दीजिए ताकि वो हमारे लिए डंडे का काम करे कि एक टारगेट हमें मिला है, हमें कंप्लीट करना ही करना है. अगर आप लोग ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. ठीक है, किस तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ ताकि आपकी नीट 2021 की प्रिपरेशन अच्छी हो, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. साथ ही अभी नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, इस सबसे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए. कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए इन्फॉर्म कर दूंगी. ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए, भरोसा रखिए कि जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आपको आपके गोल तक जरूर पहुंचाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू.